आप कुवैत आते हो तो आपको ऐसा ही बेड मिलेगा, दो से तीन लोग रहते हैं, तो एक बार गिन लेता हूँ कि इस महीने की सैलरी कितनी आई है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रेडी, 1, 2, गो। वंस अगेन मोहम्मद फिरोज खान इज हियर, वापस से वही जगह पे, वही लोकेशन पे, इसी रूम में। तो आप लोग काफी सारे कमेंट करते हो कि एमएफके भाई आपकी सैलरी क्या है, आप क्या जॉब करते हो कुवैत में, कुवैत में कहाँ रहते हो, एड्रेस क्या है, कितने साल से कुवैत में रहते हो। तो माई सैलरी एंड माई जॉब, मैं कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ, कैसा मेरा रूम है, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग स्किप करते हो, बाद में कमेंट करते हो कि ये नहीं बताए, वो नहीं बताए। पूरा देखना तभी समझ में आएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम कहाँ रहते हैं कुवैत में, कैसा हमारा रूम है और किस एरिया में रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है कुवैत में। तो इन फ्यूचर कभी आप भी आओ तो आपको भी सेम यही चीज और यही मिलेगा, यही चीज और यही जगह और ऐसा बेड और ऐसा रूम और ऐसी एरिया मिले। आई होप कि आप लोगों को मेरे से भी अच्छा ही मिले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बाहर के एरिया से, उसके बाद आपको मैं अपना रूम दिखाऊंगा, उसके बाद रूम का पूरा अपना टूर कराऊंगा, उसके बाद कुछ बताऊंगा अपने बारे में, उसके बाद बहुत कुछ बात करेंगे, उसके बाद कितनी बार होगा उसके बाद। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा टाइम वेस्ट किए, मेरा देरी किए, तो अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आजा बेटा, आजा यहाँ पर, यहाँ पे आजा, आ गया, क्लिक करके जाकर देख लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स डू। पहले तो देख लीजिए ये एरिया है, ये बिल्डिंग देख लीजिए, ये बिल्डिंग देख लीजिए और ये बिल्डिंग देख लीजिए, सारे बिल्डिंग सेम दिखेंगे। यहाँ पे नंबर लिखा होगा, यहाँ पे नंबर देखो 51, तो नंबर से आप बिल्डिंग पहचान सकते हैं। यहाँ पे है 44। वैसे तो सारी बिल्डिंग एक ही जैसी है, तो अभी मैं आपको अपनी बिल्डिंग में लेकर चलता हूँ। ये है हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग के ठीक सामने यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, पुदीना, तुलसी वगैरह, और कई सारे झाड़ लगे हुए हैं, आम का भी झाड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं। ये पुदीना है और यहाँ पर आम का झाड़ लगा, और यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है। जानी सोनी, मेरी कुल्लू, मेरी चुल्लू मुल्लू, हाय कर दो वीडियो में, हाय कर दो। बाकी यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग होती है, एसी चल रहा है तो आवाज़ आएगा, तो अंदर चलते हैं, गेट ओपन रहता है हमेशा, तो उस तरह से एक सीढ़ी मिल जाएगा आपको ऊपर जाने के लिए। ठीक है, इधर आएंगे तो देखो हमारा ईवी क्या कर रहा है। बाकी ये हमारा रूम, एंट्री कर लिए रूम में, तो ये है अपना रूम, ये है अपना बेड, और ये हमारे दादा का बेड, पसारा पड़ा हुआ है बेड पे, और ये अपना रिंग लाइट जला के दिखाया था एक बार जी, देख लीजिए। अरे आप कुवैत आते हो तो आपको ऐसा ही बेड मिलेगा, दो लोग रहेंगे रूम में या तीन लोग रहेंगे, दो से तीन लोग रहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक अपना कबर्ड रखा हुआ है, कबर्ड के अंदर देख सकते हैं काफ़ी सारा पसारा पड़ा हुआ है, कपड़ा वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक कबर्ड है जिसमें हम बर्तन वगैरह सब कुछ रखते हैं, वहाँ पे वो दादा का कबर्ड है, तो ऐसा कुछ रूम होता है। तो आप लोग भी आते हो कुवैत तो आप लोगों को भी ऐसा रूम मिलेगा, चाहे ड्राइवर में आओ चाहे किसी भी फील्ड में आओ। मैं कुवैत में पिछले 4.5 सालों से रह रहा हूँ, अमगारा एरिया में रहता हूँ, अमगारा इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बैचलर सिटी बोलते हैं। तो कहते हैं कि लड़कियों की अपनी उम्र और लड़कों को अपना सैलरी बतानी चाहिए, लेकिन आपका एमएफके आप लोगों से कुछ छिपाता नहीं है। कितनी सैलरी है, इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी है, देख रहा है, दिस इज द कुवैत करेंसी, 10-10 के नोट, इतने सारे। तो माई सैलरी इज ओनली 160 KD प्लस ओवर टाइम, तो इतनी ही है मेरी सैलरी। कनेक्शन दिल से दिल के रहने चाहिए, छिपा के क्या फायदा। मैं अगर अपनी सैलरी आप लोगों को बता दूंगा तो कौन सा आप मेरी सैलरी ले लोगे, हाँ, तो छिपा के क्या फायदा, कुछ भी नहीं छिपना चाहिए यार। मेरे और आपके बीच जिंदगी की खुली किताब मैं रखने वाला हूँ, उस किताब में जो कुछ भी आप पढ़ सकते हो, इसीलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डू सब्सक्राइब। और मेरी जॉब के बारे में बात करें तो ऐसा मैकेनिकल टेक्नीशियन मैं कुवैत में जॉब करता हूँ, एक वाटर प्लांट में जो कि कुवैत सिटी से नज़दीक में है, वहीं पे
मैं काम करता हूँ, मैकेनिकल टेक्नीशियन. जिनको नहीं पता वो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे क्या होता है मैकेनिकल टेक्नीशियन. बोले तो प्लांट में बड़े बड़े पंप वो हम लोग रिपेयर करते बनाते हैं. ये आपका मैप है, यही काम करता है. ठीक है, मेरा भाई भी वही काम करता है. भाई के बारे में आप लोग पूछे थे, तो दोनों लोग हम लोग यही काम करते हैं. अगर आप लोगों को माई इनकम सोर्स के बारे में जानना है, मैं कहाँ कहाँ से इनकम करता हूँ अपनी सैलरी को छोड़ करके, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है. तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए. मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि मैं ऑनलाइन पैसा कमा सकता हूँ और इतना कमा सकता हूँ. तो अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिए. डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग भी कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो इतना पैसा, इतना 10-10 करोड़. ठीक है, कमेंट करो. और बात करते हैं कुवैत लाइफ के बारे में. तो इस वीडियो में कुवैत लाइफ के बारे में क्या ही बताएं. तो कुवैत लाइफ के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं डालूंगा और उसमें उन लोगों को ऐड करूंगा जो कई सालों से कुवैत में रहते हैं, जिनकी एक्सपीरियंस मुझसे 10 गुना ज़्यादा होगी. 10 गुना ज़्यादा मतलब 20-25 साल तक होंगी. तो उन लोगों को मैं ऐड करूंगा वीडियोज में और आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हाँ कुवैत लाइफ कैसी है, ये कैसे लोग कुवैत में रहते हैं, कुवैत आना सही है या नहीं है, यही सब रहेगा उस वीडियो में. तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना. और आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब की हो तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो. आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए वो वीडियो और सपोर्ट कीजिए वहां पर भी. 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए. तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इट्स की जोर इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर दिख रही है, फॉलो कर लीजिए. बाकी 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 सब बढ़िया है. किसी और वीडियो.